हेलो डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम तिरुपति नाइक, पैरामेट्रिक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। हमारा टैगलाइन है विजडम सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस। आज हम सीख रहे हैं प्रैक्टिकल ऑन सीएनसी मिलिंग मशीन। दोस्तों, ये सीएनसी मिलिंग मशीन जो है हैस कंट्रोल VF4 मेक मशीन है। और इस मिलिंग मशीन में हम ऑपरेशन क्या क्या कर सकते हैं, तो पहला जो है ना प्रोफाइल मिलिंग, देन फेस मिलिंग, पॉकेट मिलिंग, ड्रिलिंग ऑपरेशन, रिमिंग ऑपरेशन एंड स्लॉटिंग एंड देन बोरिंग ऑपरेशन, इस तरह का जो है ना ये सब ऑपरेशन हम इस मशीन पे कर सकते हैं। तो पहले हम मशीन को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सीएनसी मशीन पहले स्टार्ट करने से पहले जो है फर्स्ट वी हैव टू कम टू द पावर सप्लाई। ये इनपुट है पावर सप्लाई की, जो 3-phase पावर सप्लाई 32 एम्पियर एंड 415 वोल्ट का। तो यहाँ से जो है ना ऑफ है, इधर ऑन है। तो ये जो स्विच है इसको वर्टिकल ऊपर की तरफ प्रेस करना है, तो ये पावर ऑन हो गया 3-phase का। पहले मेन 3-phase स्विच ऑन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है स्टेबलाइजर को ऑन करना है। स्टेबलाइजर सर्वो मोटर 242 एम्पियर का रहेगा। तो इसके लिए मेन जो स्विच है इसका बैक साइड में रहेगा। तो स्टेबलाइजर ऑन करने के लिए इसको ऊपर की तरफ प्रेस करना है। अभी स्टेबलाइजर स्टार्ट हो गया। उसके बाद सीएनसी मशीन का जो बैक साइड में जो मेन कंट्रोल रहता है उसको ऑन करना है। सो दिस इज ऑन एंड दिस इज ऑफ। तो मेन पावर ऑन करना है, ओके। तो मेन पावर ऑन करने के बाद तो मशीन जो है ना थोड़ा समय लेगा फॉर मशीन बूटिंग होने के लिए। तो उसके लिए थोड़ा वेट करते हैं। जैसे स्क्रीन पे लोडिंग हो रहा है तो वी हैव टू वेट फॉर सम टाइम। एक बार स्क्रीन डिस्प्ले ऑन होने के बाद हमने पावर ऑन किया था तो इससे डिस्प्ले ऑन हो गया। नाउ यार आप देख सकते हैं कि इमरजेंसी स्टॉप जो डिस्प्ले दिख रहा है इसको निकालने के लिए इमरजेंसी रिलीज बटन को बाहर की तरफ पुल करना है। उसके बाद रीसेट, प्रेस द रीसेट बटन एंड उसके बाद जो है ना पावर अप बटन को प्रेस करना है। देन इट विल स्टार्ट द जेड एक्सिस अबाउट। इस मशीन का जो कैपेसिटी है एक्स में 1200 mm एंड वाई एक्सिस में 500 mm एंड जेड एक्सिस में 600 mm। तो इस तरह से जो है ना एक्स वाई जेड का जो है ना टूल रेफरेंस होम पोजीशन लेता है। तो दोस्तों, आपने आज सीखा मशीन को किस तरह से मेन 3-phase से ऑन करना है, देन स्टेबलाइजर को कैसे ऑन करते हैं और पावर सप्लाई ऑन कैसे करना है, देन अवर स्क्रीन जो है ऑन कैसे करना है, मशीन को रीसेट करके पोजीशन को किस तरह से लेना है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।